हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ये सुबह के छः बज रहे हैं मैं फ़्रेश हो के प्रेर करके और फिर आती हूँ लिविंग रूम में इसके सबसे पहले कर्टन हटा देती हूँ चाहे अंधेरा हो रहा हो बच्चों का स्कूल है तो मैं उनके टिफिन की तैयारी करूँगी और ये रात में हस्बैंड फ्रूट्स लाए थे तो ऐसे ही रखे हुए थे इन्हें मैं फ्रिज में रख दूँगी और चीकू मैं दूँगी बेटी के टिफ़िन में फ्रूट टिफ़िन में तो मैं थोड़े से निकाल के बाहर रख रही हूँ और छोटी बेटी ने कल कह दिया था कि मुझे कपकेक दीजिएगा टिफ़िन में तो इसलिए मैं अब कपकेक बना रही हूँ तो बड़ी वाली के टिफिन में भी वही रख दूँगी मेरा कपकेक कोई इतना अनहेल्दी नहीं होता क्योंकि मैं आटे का ही बनाती हूँ और वाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर और गुड़ यूज़ करती हूँ तो आज मेरे पास अंडे ख़त्म हो गए थे तो मैंने दही यूज़ किया है इसे मैं अच्छे से फेंट लूँगी और फिर इसमें डालूँगी गुड़ और ब्राउन शुगर को पीस के मेरे बच्चे क्योंकि चॉकलेट केक ही खाना पसंद करते हैं तो ये और हेल्प करता है कलर लाने में ब्राउन शुगर और गुड़ ऑलरेडी ब्राउन होते हैं तो मुझे ज़्यादा फिर कोको पाउडर नहीं डालना पड़ता मैं अक्सर बस एक टेबल स्पून ही डालती हूँ और घर पे केक्स बनाने के का ये बेनिफिट है कि बच्चे फिर बाहर के केक्स नहीं मांगते और मेरे बच्चों को बाहर के पसंद ही नहीं आते हैं वो इवन बर्थडे पार्टीज़ में भी जाते हैं तो वाले केक्स नहीं खाते बर्थडे केक्स उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते इसलिए मैंने अब इनकी बर्थडे पे भी खुद ही बेक करना शुरू कर दिया है कि क्या फ़ायदा है जिसकी बर्थडे हो वही अपना केक ना खाए तो इसलिए मैं मैं ही बेक कर देती हूँ तो ये लोग कम से कम खा लेती हैं तो मैंने एक कप के अराउंड आटा लिया था तो शुगर हाफ़ कप के अराउंड यूज़ है और वन फोर्थ कप ऑयल डाला था वन टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूंगी हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ सॉल्ट सॉल्ट डालने से केक का टेस्ट और इन्हांस हो जाता है और दो टेबल स्पून कोको पाउडर डाला है मैंने अब बस ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को छान के मिक्स कर लूँगी अच्छे से ताकि लम्ब ना रहें और मैं चॉकलेट केक में ये भी डाल देती हूँ ये मल्टीग्रेन चॉकलेट ड्रिंक है जो मैंने बच्चों के दूध में डालने के लिए मंगाई थी लेकिन ये लोग पीते नहीं हैं तो मैंने सोचा मैं केक में ही डाल के इसे ख़त्म करूं इसका टेस्ट कोई ज़्यादा नहीं है लेकिन ये काफ़ी हेल्दी है और ये देखिए मेरे किचन की हालत सुबह को कुछ ऐसी हो जाती है मैं कितना भी समेटने की कोशिश करूँ लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं होता उस वक्त बड़ी बेटी को उठाना भी होता है और उसके लंच भी रखना होता है तो एक घंटे में मुझे ये सब करना होता है अगर कुछ पकाने लगूँ ऐसा तो और कम टाइम बचता है और जब ये लोग चले जाते हैं सब तब मैं आराम से फिर ये किचन साफ़ करती हूँ और मैंने ये फ्रूट टिफिन में चीकू रख दिया है उसकी टीचर अलाउ करती हैं इन लोगों के स्कूल में इनफैक्ट रूल है कि सुबह को बच्चों को फ्रूट टिफिन दें सुबह को जाते टाइम इसका कुछ भी मन नहीं करता है खाने का ए, कुछ भी नहीं खाती है पहले दूध चौकूज खा लेती थी लेकिन अब कुछ भी नहीं खाती है इनफैक्ट बादाम काजू ये सब भी देती हूँ तब भी वो भी नहीं खाती है पॉकेट में रख के ले जाती है कभी बस में तो खा लेती है लेकिन कभी वापस भी ले आती है तो मुझे बड़ी टेंशन रहती है कि मैं सुबह को इसको ऐसा क्या दूँ जो ये खा ले फिर लेकिन ये लंच वाला टिफ़िन अपना फ़िनिश करके ही आती है तो मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा और ज़्यादा सा रखूँ ताकि ये अच्छे से खा ले अब मैंने इसके फ्रूट टिफ़िन में थोड़ा सा टोस भी रखना शुरू कर दिया खाली फ्रूट खा के उतनी एनर्जी तो नहीं आएगी और बच्चों का कभी कुछ ऐसे डांस क्लास हो जाती है लंच से पहले या और कोई एक्टिविटीज़ वाली हो जाती है उसके लिए अच्छी एनर्जी चाहिए होती है जैसे आजकल शलजम बहुत पसंद आ रहा है तो मैं ये भी रख देती हूँ उसके टिफिन में और मेरी बेटियाँ पकी हुई सब्जियाँ बहुत कम खाती हैं बड़ी बेटी तो थो थोड़ा आलू की सब्ज़ी खा लेती है लेकिन छोटी वाली कुछ भी नहीं खाती है तो इसलिए ये लोग अक्सर कच्ची कैरेट शलजम और कभी बीटरूट भी खा लेती हैं मूली खीरा ये सब मैं इनको ज़्यादा देती रहती हूँ ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें और रोटी ये लोग बस घी के साथ खाती हैं ना दाल के साथ ना सब्जी के साथ तो ये अच्छा हुआ है तरीका बच्चों को फिर खिलाने का अक्सर बच्चे जो हैं कच्ची सब्जियां खा लेते हैं और थोड़ा सा बैटर बच गया था कपकेक्स में डालने के बाद तो मैंने पैनकेक्स बना लिए ये बहुत अच्छे सॉफ्ट बने थे थोड़ा सा मैंने दूध डाल के इन्हें पतला इसे पतला कर लिया था बैटर को क्योंकि केक का बैटर थोड़ा थिक होता है और ये देखिए कप केक्स बन के तैयार हो गए थे और बहुत ही यमी बने थे इस बार मेरी बेटी ने अपनी दोस्त के साथ भी शेयर किया तो बोली कि वो भी कह रही थी बहुत टेस्टी हैं तुम्हारे कप तो सारा टाइम मेरा इसी की तैयारी में लग गया था केक्स की तो मैंने उसके टिफ़िन में बस ये शलजम और चीज़ क्यूब रख दिया था और ऐसी चीज़ें जैसे कपकेक्स है पिज़्ज़ा है मैं ये एक्स्ट्रा रख देती हूँ कि कहती है मेरी फ्रेंड्स मांगने लगती हैं तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि एक्स्ट्रा रहे ताकि आराम से शेयर कर सके और ये हो गया था शाम का वक्त हम लोग बाहर से आ गए थे ये लोग खूब खेल के आ गई थी मेरी वॉक भी हो गई थी फिर आते वक्त इन लोगों को ये लीव्स इकट्ठा करने की चढ़ी तो ये लीव्स ले आ गई थी इसका कुछ ऐसे बुके टाइप बना रही हैं दोनों का अच्छा मूड होता है तो आपस में काफ़ी देर तक खेलती रहती हैं और मुझे परेशान नहीं करती हैं और ये मैं आ गई थी इनके लंच बॉक्सेस धोने आज दोपहर में टाइम नहीं मिला तो अब मैं शाम को धो रही हूँ खाना बनाने से पहले ये सब निपटा दूंगी ताकि आराम से मैं फिर खाना बनाऊँ थोड़े दिन पहले मैंने ग्रिल्ड चिकन बनाया था बोनलेस तो बेटी को बहुत पसंद आया था तो आज भी वो कह रही थी इनफैक्ट कल उसने कहा था कि मैं मुझे चिकन चाहिए वही वाला तो मैंने कहा चलो आज मैं बना देती हूँ तो मुझे उसका भी मैरिनेशन करना था और मैंने सोचा है गोभी मंचूरियन जो मैंने गोभी फ्राई करके रखी हुई थी उसका बना दूँगी और साथ में फ्राइड राइस बनाऊँगी मैंने सोच लिया था कि ये सब बना लूँगी मैं बहुत जल्दी हो जाएगा लेकिन इसमें दो घंटे लग गए थे मुझे और बीच में फिर बच्चों का भी देखना और उन्हें शाम को भूख लगने लगती है तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं तो बीच में वो भी करना पड़ता है और छोटी बेटी का ये है कि वो ना ही तो फ्राइड राइस खाती है ना मंचूरियन खाती है उसको बस घी रोटी चाहिए होती है या पराठा चाहिए होता है या फिर दाल चावल खाती है तो इतना सब बनाने के बाद भी मुझे उसके लिए अलग से रोटी या पराठा बनाना ही होता है तो ये लंच बॉक्सेस धोने के बाद मैंने बोनलेस चिकन में थोड़े कट्स लगा लिए थे ताकि उसका मैरिनेशन अच्छे से आ जाए हो जाए और उसमें फ्लेवर अच्छे अंदर से अंदर तक मिक्स हो जाए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था मैरिनेट करने का आधा घंटे के अराउंड ही मैंने मैरिनेट किया था और ये छोटी बेटी को टोस्ट चॉकलेट की आजकल बहुत लगी है तो टोस्ट नटेला उसे दिया मैंने वरना वो हंगामा करने लगती है और फिर मुझे कोई काम नहीं करने देती और इस चिकन का मैरिनेशन दो होते हैं इसमें पहले नींबू नमक और अदरक लहसन का पेस्ट लगा के एक बार रख देते हैं आधा घंटे को फिर उसके बाद बाकी मैरिनेशन करते हैं सेकंड मैरिनेशन लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने पूरा एक साथ ही कर दिया था इससे पहले मैंने दो बार मैरिनेट करके बनाया था तो बहुत अच्छा टेस्ट आया था ऐसे भी टेस्ट अच्छा आ जाएगा वो तो मैंने इसमें नॉर्मल मसाले डाले हैं हल्दी नमक ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और दही डाला है इससे बस गाढ़ा सा दही लेना है थोड़ा सा ही लेना है कि अच्छे से कोट हो जाए बस और नींबू का जूस डाला है और कोटिंग अच्छे से हो जाए तो एक टेबल स्पून ऑयल भी डाला मैंने ऐसे फिर ड्राई ड्राई सा नहीं बनता है अच्छा सा जूसी सा बनता है फिर ये लोग दही देख के दही मांगने आ गई थी तो मैंने इन्हें दही भी दिया निकाल के इन लोगों ये फेवरेट स्नैक है दही खाना और मैं अब ये तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी काटने की ये मैं मंचूरियन के लिए काट रही हूँ लहसन काट लिया है छोटा छोटा ये दोनों के लिए मंचूरियन फ्राइड राइस के लिए मैंने एक साथ ही ज़्यादा सा काट लिया था और शिमला मिर्च मंचूरियन के लिए मैं क्यूब्स में काट रही हूँ और प्याज़ भी ऐसे क्यूब्स में काट लूँगी गोभी ऑलरेडी मेरे पास फ्राइड रखी हुई थी इसलिए मुझे उसका ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा मंचूरियन के लिए बस ये सॉस बना ली थी इजी सी तो ये बहुत ही जल्दी बन गया था बस थोड़ा टाइम लगा था फ्राइड राइस की सब्जियां काटने में और फिर उसे बनाने में मैंने बहुत ही थोड़ी सी हरी मिर्च ली है ये रख के रेड सी हो गई थी क्योंकि हम लोग ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते इसलिए मैं बहुत ही थोड़ी सी डाल रही हूँ तो इसमें मैंने ऑयल में लहसन डाला फिर प्याज़ और शिमला मिर्च भी डाल दी और फिर थोड़े ये सोया सॉस विनेगर और केचप डाला वैसे तो चिली सॉस भी पड़ता है लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ और हाँ वो जो हरी मिर्च काटी थी मैंने वो भी डाली है इसमें और फिर बस अच्छा सा जब ये फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के ढक के और बॉईल करूँगी थोड़ा और फिर गोभी ऐड कर दूँगी इसमें मेरी ये कढ़ाई बहुत पुरानी हो गई है और काफ़ी ख़राब सी भी हो गई है मुझे नई कढ़ाई लेनी है स्टील की वैसे मेरे पास एक स्टील की है लेकिन वो ऐसी डीप वाली नहीं है तो मैं आजकल काफ़ी सर्च करती रहती हूँ कि कोई अच्छी क्वालिटी की डीप वाली कढ़ाई मिल जाए स्टील की क्योंकि तो अक्सर स्टेनलेस स्टील में अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है लोकल शॉप्स पर स्पेशली और ये मैंने वाइट पेपर पाउडर भी डाला है इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और साथ ही नमक ऐड कर लूँगी और फिर गोभी ऐड कर दूँगी और ये देखिए यमी सा गोभी मंचूरियन रेडी हो गया है प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हैं फ्राइड राइस के साथ तो बहुत ही यमी लगता है तो अब मैं इसे बस ढक के थोड़ी देर और पकाऊंगी, फिर बंद कर दूंगी गैस और अब मैं तैयारी करने लगी हूँ फ़्राइड राइस की तो इसके लिए मैं छोटे छोटा प्याज़ चॉप कर लूँगी गार्लिक ऑलरेडी मैंने चॉप कर लिया था तो इसमें मैं और शिमला मिर्च गाजर और मटर डालूँगी मटर गलने में काफ़ी टाइम लगता है तो मैं मटर अलग से ही फ्राई कर लूँगी मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी हुई थी और बड़ी बेटी ऐसे तली हुई मटर खा लेती है शौक से तो मैं अभी फ्राई करके उसे भी दे दूँगी तो मैं मटर के लिए बस थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ उसमें ज़ीरा और लाल मिर्च नमक डाल के मटर डाल देती हूँ थोड़ी देर उसमें फ्राई करती हूँ फिर थोड़ा पानी डाल के उसे गलाने के लिए रख देती हूँ तो ये अराउंड फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स में हो जाती है जब तक मैं वेजिटेबल्स चॉप कर रही हूँ ये मटर भी हो जाएगी फिर मैं फ्राइड राइस बनाऊँगी अब मैं चिकन को ग्रिल कर लूँगी ये मैंने ग्रिल रैक पे ऑयल लगा लिया है ब्रेड से और माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन को मैंने प्री हीट होने लगा दिया था वन सेवेंटी डिग्रीज पे तो अराउंड ट्वेंटी टू 25 मिनट्स में चिकन हो जाता है बिल्कुल तैयार अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी होता है ये इसमें बीच में मैं एक बार निकाल के ऑयलिंग कर देती हूँ फिर ब्रश से और पलट देती हूँ चिकन के पीसेस उधर फ्राइंग पैन में मैं एग फ्राई कर रही हूँ फ्राइड राइस के लिए उसे मैं स्क्रैम्बल कर लूँगी वैसे मैं कढ़ाई में भी कर लेती थी लेकिन ज़्यादा स्मेल आ जाती है फिर पूरे में तो मेरे हस्बैंड को वो अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं अलग से फ़्राई करके अब डालती हूँ उसके पीसेस तो अब मैंने कढ़ाई में फ्राइड राइस की तैयारी शुरू कर दी है ऑयल में मैं गार्लिक और बाकी चॉप्ड वेजिटेबल्स डाल के फ्राई कर लूँगी और ये देखिए मैंने चिकन निकाला ऑयल करने के लिए अभी ही सॉफ्ट होने लगा है इसका एक छोटा सा पीस इसमें से टूट के गिर भी गया था ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं पकाती क्योंकि फिर ब्लैक होने लगता है चिकन और तो जला हुआ मीट कैंसरस होता है इसलिए आप भी अवॉइड करें इतना ज़्यादा उसे ग्रिल ना करें कि वो जलने लगे फ्राइड राइस के लिए पीज़ भी तैयार हो गए थे एग भी तैयार हो गया था बस मुझे ये थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल के उसे फ्राई करना था और फिर मैं ये सब ऐड कर दूँगी पीज़ और एग भी उसके साथ और राइस फिर ऐड कर दूँगी और सोया सॉस और विनेगर बस ऐड करूँगी और सॉल्ट टू टेस्ट हाँ वाइट पेपर भी मैंने डाला है वाइट पेपर पाउडर मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिए थे उसे फिर छान के ठंडा होने रख दिया था ऐसे फोक से मैं सेपरेट कर देती हूँ तो इससे फिर चिपकते नहीं हैं बाकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी तो मैं आपको अपनी प्लेट का फाइनल लुक दिखाती हूँ ये फ्राइड राइस गोभी मंचूरियन और ग्रिल्ड चिकन ये कॉम्बिनेशन बहुत ही यम था बहुत मज़ा आया बहुत फिलिंग था और हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया घर में ही रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ डिनर हो गया हमारा और ये नेक्स्ट डे मैंने बिग बास्केट से सामान मंगाया था बच्चों के काफ़ी सारे स्नैक्स मंगाए हुए हैं मैं उन्हें ये सारे नहीं दिखाऊंगी मैं छुपा के रख दूंगी अभी वो लोग स्कूल गई हुई हैं आजकल इन लोग को बहुत जंक फ़ूड की आदत लग गई थी रोज़ ही ये कुछ ना कुछ मांगती रहती थी और अंदर की सोसाइटी की शॉप से जाके कुछ ना कुछ, कुछ खरीदती थी तो मैंने उनका ये कंट्रोल करने के लिए वीक का एक दिन फिक्स कर दिया है कि फ्राइडे को तुम लोग टिफ़िन में जंक फूड ले जा सकती हो वरना छोटी बेटी रोज़ ही कहती रहती थी कि मुझे चिप्स दीजिएगा या ओरियोज़ दीजिएगा स्टार्टिंग में जब वो सेटल हो रही थी तो मैं अक्सर उसके टिफिन में ओरियो और ये सब चीज़ें रख देती थी लेकिन फिर उसकी टीचर ने कहा कि आप नहीं दिया करें इसलिए तो और बच्चे भी देख के अपने पेरेंट्स से ज़िद करते हैं और फिर जो स्कूल का लंच मिलता था वो नहीं खाती थी है। तो मैंने इससे कह दिया कि अब मैम ने क्योंकि मना कर दिया है तो अब तुम बस एक दिन फ्राइडे को ही ले जाओगी ऐसा कुछ आ, बाकी दिन मैं खीरा ड्राई फ्रूट्स या कुछ और ऐसे हेल्दी स्नैक्स ही भेजती हूँ उसके तो साथ अब थोड़ी तसल्ली हो गई है कि दो, दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि ओके फ्राइडे को ही हम ले जाएंगे जंक फूड उसके अलावा ऑब्वियसली सैटरडे संडे को कहीं जाते हैं बाहर तो वो थोड़ा बाहर का खाना वाना हो जाता है मैं सोच रही हूँ वो भी अब बहुत कम करूँगी क्योंकि अननेसरली फिर बच्चों की भी आदत बुरी होती है और हम लोगों की भी आदत ख़राब होती है तो वीकेंड्स पे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ घर का ही बनाऊं चाहे कुछ अलग सा हो लेकिन घर का ही खाना खाएँ ज़्यादातर हम लोग वैसे फुल वीक तो मैं घर पे ही बनाती हूँ कभी भी बाहर से ऑर्डर नहीं करती लेकिन वीकेंड पे ऐसा हो जाता है कि सब होते हैं तो थोड़ी लेजीनेस हो जाती है या फिर कहीं घूमने का निकल ही आता है तो फिर लंच डिनर टाइम बाहर ही होता है तो बाहर ही खा लेते हैं फिर तो मैंने कुछ सब्जियाँ और ड्राई फ्रूट्स भी मंगाए थे हमारे मेरे ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे और मेरे बच्चे ड्राई फ्रूट बहुत शौक से खाते हैं काजू बादाम अखरोट पिस्ता तो विंटर्स में स्पेशली मैं इनका स्टॉक ज़रूर रखती हूँ सुबह को अगर इनका कुछ खाने का मन नहीं होता है स्कूल जाने से पहले तो ये सब चीज़ें खा लेते हैं और सारा सामान रखने के बाद मैं किचन में आ गई थी ज़ीरा भूनने के लिए मैं ज़ीरा पाउडर घर में ही बनाती हूँ क्योंकि मेरा काफ़ी काम आता है पाउडर इसलिए मैं स्टोर बॉट नहीं यूज़ करती मेरे बच्चे दाल में चावल में खड़ा ज़ीरा पसंद नहीं करते हैं तो मैं ज़ीरा पाउडर ही डालती हूँ तो मेरा काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है तो मैं ज़्यादा सा सौ ग्राम या दो सौ ग्राम एक साथ ही भून के उसका पाउडर बना के रख लेती हूँ और ये देखिए मैंने बहुत ही काम की चीज़ ली है अमेज़ोन से काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी लेने का लेकिन बार बार कन्फ्यूज़ होती थी कि पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा क्वालिटी वाइज अच्छा होगा या नहीं लेकिन फिर मैंने रिव्यूज़ पढ़े और इसका देखा कि काफ़ी अच्छा है काफ़ी हेल्पफुल है ये तो इसलिए मैंने फिर परचेज़ कर लिया ये अराउंड वन थाउजेंड रुपीज़ का है ये दही मेकर है इलेक्ट्रिक तो इसके साथ ऐसा ये बॉक्स टाइप आता है और इसके अंदर स्टील का कंटेनर है इस पर दो ढक्कन है एक ऊपर से है एक अंदर से जो बिल्कुल फिट हो जाता है इसकी स्टील इस कंटेनर की क्वालिटी अच्छी है बस ये है कि अगर दो ये प्रोवाइड करते तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि एक बार आप दही जमाने जमा के फ्रिज में रख देते हो फिर उसके बाद पूरा फिनिश हो जाए उसके बाद ही आप इसे धो के फिर से यूज़ कर सकते हो अगर वो कंटेनर्स होते तो हम इसे जब दही ख़त्म हो रहा होता तो फिर दूसरा ज़माने भी रख सकते थे आराम से फिर इसके ख़राब होने का भी डर रहता है कि अगर ये वाला कंटेनर ख़राब हो गया कुछ तो फिर नया नहीं मिलेगा हमें अलग से तो इसमें बस दूध में दही मिक्स करके आप रख दें आराम से ऑन करके और ये फिर अपना काम करता रहता है पाँच छः घंटे में बहुत अच्छा सा दही जम के तैयार होता है विंटर्स के लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि ऐसे विंटर्स में आसानी से नहीं जमता और अक्सर मेरा दही तो ख़राब हो जाता था और हमारे यहाँ दही का बहुत यूज़ है दोनों बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं मेरे हस्बैंड भी हर खाने के साथ खाते ही हैं तो हम लोगों को बाहर का परचेज़ करना एक तो महंगा भी पड़ता है और वो उसमें पता नहीं क्या क्या प्रिजर्वेटिव होते हैं वो भी नहीं पता चलता तो मैं ये निकाल के फिर फ्रिज में रख देती हूँ ढक के उसके बाद जब ठंडा हो जाता है तो मैं आपको दिखाऊँगी ये बहुत अच्छा स्टोर बॉर्ड जैसा दही तैयार होता है गाढ़ा सा इवन स्टोर बॉड से भी बहुत बेटर होता है आपको चेक करना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इसका अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और कमेंट करना नहीं भूलिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय